हेलो राम राम जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? हरियाणा की शिक्षा मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। विद्यार्थियों और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी की लहर। शिक्षा विभाग हरियाणा ने जारी किया है नया नोटिस। क्या कुछ खबर आई हुई है, वीडियो अंत तक देखिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा, एजुकेशन नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे खबर आई हुई है, छात्र आज से घर पर असाइनमेंट करेंगे, स्कूल इनके नंबर देंगे, हर हफ्ते जारी होगा कैलेंडर। ठीक है भाई, अगर इंटरनेट नहीं है तो कॉल और एसएमएस से छात्र अभिभावकों को गाइड करेंगे स्कूल के शिक्षण शिक्षक। ठीक है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई को हो रहा नुकसान कम करने के लिए एनसीईआरटी ने वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरिया ग्याल ने निशंक ने इसे जारी किया है और कैलेंडर 1वीं से 12वीं कक्षा के लिए है। इसे एससीईआरटी के निर्देशक ऋषिकेश सेनापति ने कहा है कि बच्चा अगर आज स्कूल जाता तो वह पढ़ रहा होता। इसे ध्यान में रखकर कैलेंडर तैयार किया गया है। इसे हर सप्ताह जारी करेगा। स्कूल खुलने के बाद आगे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यानी कि आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप घर पे ही असाइनमेंट बनाए जाएंगे आपके, और उसे स्कूल में चेक करने के बाद स्कूल उसके नंबर देगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे दूसरी खबर आई हुई है, स्कूलों ने वार्षिक चार्ज या बस किराया लिया तो होगी कार्रवाई। यानी कि पूरे वार्षिक का अगर स्कूल कोई लेता है किराया और बस का किराया भी लेता है, वार्षिक चार्ज लेता है, तो शिक्षा मंत्री ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस खबर को भी आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। दो खबर आई हुई थी आपके लिए, काफ़ी ज़रूरी थी। उम्मीद करूँगा आप लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।